नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पर। तो आइए जान लेते हैं कि आखिरकार एस्टेट का सिलेबस क्या है, एस्टेट में किन टॉपिक्स को पढ़ना, उन किन की रिकॉर्डेड वीडियोस में दे सकता हूं और क्या मटेरियल आपको दे सकता हूं। ये पूरा मटेरियल मेरे ऐप पर है या नहीं, ये सब जानकारी आइए पूरा सिलेबस डिस्कशन करते जाएंगे और हम लोग आपको बताते जाएंगे कि क्या हम आपको मटेरियल देंगे और हमारा मटेरियल कैसा होगा, ये भी पूरी जानकारी दूंगा और आपको ट्रिकी कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा भी। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार सिलेबस बिहार एस्टेट का है क्या। शुभकामनाएं कि आपके लिए ये सबसे अच्छा मौका मिला है कि आप एस्टेट देने जा रहे हैं। तो एस्टेट पर जो हमने मटेरियल आपके सामने रखा है और इस मटेरियल में आपको खास बात बताऊंगा कि आपको पूरी ताकत के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में लगना पड़ेगा हमारे साथ। मैं आपको परफेक्ट सिलेबस की जानकारी आज पहले दे देता हूँ और फिर आपको बिहार एस्टेट एग्जामिनेशन पर पूरी डिटेल जानकारी समझाता हूं कि आखिरकार बिहार एस्टेट में आपको कैसे अपनी मेहनत के साथ में उम्मीदों के साथ उतरना है। ये चीज मैं आपको जानकारी में यहां जुटाऊंगा। तो बिहार एस्टेट का जो एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन में सबसे खास बात ये होगी कि हम आपको भरपूर मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे और ये मटेरियल आपका वो स्ट्रेंथ आपको देगा जिस स्ट्रेंथ की आपको उम्मीद नहीं है, वो स्ट्रेंथ मैं आपको दे करके जाऊंगा। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बिहार एस्टेट एग्जामिनेशन से जुड़े हुए सभी पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ जो है वो आपको लिंक में मिलेगी, तो आप इस पीडीएफ के साथ में हमारे साथ बने रहिएगा। सिलेबस है ये उच्च माध्यमिक पेपर सेकेंड एस्टेट का। देखिए केमिस्ट्री की बात कर लेता हूं, तो केमिस्ट्री आप जानते हैं कितने पार्ट में केमिस्ट्री डिवाइड की गई, एक तो फिजिकल होती है, एक ऑर्गेनिक होती है और एक इनऑर्गेनिक होती है। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, आपके पास सिलेबस तो है ही, लेकिन यहां पर बता दूं किन किन टॉपिक्स पर आपको फोकस ज्यादा करना है। एक तो वैन डर वाल गैस इक्वेशन पर आपको फोकस बहुत करना है, रूट मीन स्क्वायर पर बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं पूछे लेकिन क्रिटिकल कॉन्स्टेंट यहाँ वैन डर वाल के पूछे जा सकते हैं। तो जो सिलेबस है ये सिलेबस में आपको फटाफट बहुत जल्दी बहुत प्रॉपर वे में सिलेक्टेड मटेरियल के साथ में पूरा कराऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो के हमारे साथ रहोगे तो 100% आपको सिलेबस की कवरेज आपको मिलेगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो गैसेस स्टेट में आपको ये तीन टॉपिक पर फोकस करना है, यहाँ केबल डेरिवेशन ब्रैक्स इक्वेशन का कर लीजिए और साथ ही साथ NaCl और CsCl का स्ट्रक्चर कर लीजिए, मिल जाएगा क्वेश्चन, पूरे भरोसे के साथ बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपको मिलेगा 101%। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में आ जाइए। केमिकल काइनेटिक्स में एक तो आपको जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चाहे फर्स्ट ऑर्डर की हो लेकिन मेनली फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर में ज्यादा फोकस करना है, हाफ लाइफ और मीन लाइफ को भी आपको फोकस करना है। आरहेनियस की इक्वेशन को पढ़ लीजिएगा और कैटालिसिस की क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, 100% क्वेश्चन, कोई माई का लाल नहीं जो रोक ले यार, इनमें से जो बता रहा हूं नोट कर लो, पेपर उठा के देखना। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, यहां पर राउल्ट्स लॉ की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर एक न्यूमेरिकल रखा मिलेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में एग्जांपल्स के साथ में एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर भी आपको क्वेश्चन मिलना तय है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अपना नंबर भी यहां पर लिख करके दे रहा हूं मिडिल पर, ये नंबर आप नोट कर लीजिए 9479470271। अगर आप आज की तारीख में हमारे कोर्स को परचेस करते हैं तो आज की डेट में ये कोर्स मात्र 999 का है और साथ में लगी है ₹150 की टेस्ट सीरीज। जो आपको टेस्ट सीरीज लोग 400 में दे रहे हैं, 500 में दे रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज मैंने कोर्स के साथ में मात्र ₹150 में लगाई है। तो आपको टोटल 1150 रुपीज पे करने हैं और आपको ज्वाइन कर लेना है हमारा एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप और वहां पर आपको मिलेगा फुल स्टडी मटेरियल। थर्मोडायनेमिक्स में आ जाइए, थर्मोडायनेमिक्स में DHDU पर क्वेश्चन आना बच्चा बिल्कुल तय है, यहां पर तैयारी कर लेना। हैस लॉ पे न्यूमेरिकल नोट कर लो, अभी नोट कर लो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बॉन्ड एनर्जी पर न्यूमेरिकल अभी नोट कर लो, ये दोनों फार्मूले पूछे जाएंगे, ये भी बात नोट कर लो। अनुसर की एक एक बात अपनी लकीर की है, पत्थर पे लकीर खींचता हूं, मिटने का चांस नहीं है, इसलिए नोट कर लो और 100% क्वेश्चन मिलेगा। लीच एटेलियर पर मिलना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्वेश्चन आने की बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है मुझे, मुझे उम्मीद लीच एटेलियर पर है। एक कौन सा आएगा ये भी बताए दे रहा हूं यार, इतनी बड़ी बात बोलने से पहले
H2 और I2 पर ली चैटेलियर का पूछा जाएगा, पेपर आए तो देख लेना। और दूसरा एग्जाम्पल पूछने की जो संभावना है वो एग्जाम्पल आपका अमोनिया का है, तो 2NH3 की ब्रेकिंग पूछी जा सकती है। तो नोट कर लो ये दोनों एग्जाम्पल और पेपर उठा करके देख लेना, आपको समझ में आएगा। दो एग्जाम्पल और आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब, जब आप हमारे सिलेबस में ज्वाइन करेंगे। इसके बाद आ जाइए गिब्स का फेज रूल, अगर आप जानना चाहते हैं तो गिब्स का फेज रूल पढ़ लीजिएगा। और कंपोनेंट वन कंपोनेंट सिस्टम जिसमें वाटर का है, बहुत सिंपल है, मेरे वीडियोस भी मेरी रिकॉर्डेड हैं, आपको इन सब पर रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। मैं आपको परफेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको रिकॉर्डेड मटेरियल दूंगा, हर टॉपिक से जुड़ा क्वेश्चन कराऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आओ, कोई नहीं रोक सकता इस पर एक क्वेश्चन 100% आरहेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन पर। ये सब बातें अनुसर ऐसे ही नहीं करते हैं, अनुसर किसी बेस पर लेकर के ये सब बातें करते, अपने तजुर्बे को आपके साथ शेयर करते हैं। इस पे न्यूमेरिकल लिख लीजिए, अब भी लिखिए, कोई नहीं रोक सकता इस पर। न्यूमेरिकल लिख लीजिए, न्यूमेरिकल 100% लिख लीजिए इस पर न्यूमेरिकल। हाँ लिख लो, EMF सिंगल इलेक्ट्रोपोटेंशियल ये भी आ सकता है। तो डेरिवेशन पर नहीं, फार्मूला मैं बता रहा हूँ, डेरिवेशन पर चक्कर ना फंसिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का डेरिवेशन करिएगा, लेकिन आप इसके फार्मूले को याद करिए, क्वेश्चन आपको मिलेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में चले आइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो क्वांटम नंबर से दो क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बनी हुई है। श्रोडिंगर की इक्वेशन 100% रखी मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता है, अब भी नोट करो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रोमियम का, मोलिब्डेनम का, गोल्ड का, प्लेटिनम का, अभी याद कर लो, आ गया समझ लीजिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आयनेशन एंथैल्पी पर, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की याद कर लो, बोरॉन बेरिलियम की याद कर लो, है ना, और एक्सेप्शन याद कर लो, ये मिलेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की, फ्लोरीन की समझ लो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समझ लो। बहुत परफेक्ट रिवीजन कराऊंगा अगर आप इस ऐप को ज्वाइन करते हैं, और आज ही ज्वाइन कर लो 12 बजे के बाद, क्योंकि कल तक 50 बच्चे अगर जैसे ही ज्वाइन करेंगे, इसकी कॉस्ट में भी चेंज आ सकती है, क्योंकि ऐप के थ्रू है मेरे, ऐप 100% मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जब कोई सेल आउट ज्यादा होती तो फिर उस पर विचार किया जाता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, आज रात के 12 बजे तक आपके लिए 1,150 रुपए मात्र पे करने हैं, और आपको ज्वाइन कर लेना है पूरा हमारा ये टेस्ट। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पर 100% क्वेश्चन रखा मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है। सी और एनओ में डायटोमिक मॉलिक्यूल को होमो और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, पता है आपको, इसे हेट्रो है और होमो में आपको O2 N2 ये सब आते हैं। लैटिस डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फजान पर क्वेश्चन रखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल पर क्वेश्चन रखा मिलेगा, इस पर भी रेडियस रेशियो और इन पर भी क्वेश्चन तय है। तो भैया मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़िए नहीं, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप तैयार कर लीजिए, 100% क्वेश्चन आना तय है। एसपी ब्लॉक में चले आइए, और एसपी ब्लॉक में हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलाइड, 13-16 ग्रुप एलिमेंट्स, बोरॉन, इनकी सभी के रिकॉर्डेड वीडियोज मैंने डाल रखी है, इनके रिकॉर्डेड वीडियोज देख लीजिए, आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीनोन कंपाउंड की फुल वीडियो पड़ी हुई है, उनको देखिए जाकर के। पी ब्लॉक एस ब्लॉक पूरा पढ़ा है, देखिए आराम से, जितना मैं टॉपिक अंडरलाइन कर रहा हूँ 100% ये क्वेश्चन आएंगे इन पर आप, चिलेट्स पर 100% आएगा। केमिस्ट्री ट्रांजिशन एलिमेंट की फुल पढ़ी हुई है, इसलिए मैंने इसको नहीं बोला है बहुत ज्यादा, टोटल पढ़ लीजिएगा मिल जाएगा। आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन मैंने पढ़ा रखी है, पूरी पढ़िए, सब रिकॉर्डेड है, केवल क्वेश्चन पर मैं आपको चोट दूंगा और वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आने हैं, फालतू क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी, 100%। ये वाला एग्जाम्पल जो आपका दिखाई दे रहा है ना, ये एग्जाम्पल मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है, नोट कर लो कहीं पर जा करके, और मैग्नेटिक बिहेवियर ट्रांजिशन मेटल्स का ये भी नोट कर लीजिए। तो आप टेंशन फ्री होकर हमारे साथ जुड़िए यार, हम आपको हाइब्रिडाइजेशन, देखिए हाइब्रिडाइजेशन पर क्वेश्चन तय है, बिल्कुल तय है। वैन डर वाल इंटरेक्शन पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, इंडक्टिव इफेक्ट और आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यार क्वेश्चन बिल्कुल तय हो चुका है, अब भी ज्वाइन करो, नहीं तो देर हो जाएगी। और अगर देर हो गई तो फिर सोचते रह जाओगे कि यार अनुसर की क्लास ज्वाइन कर लेते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। इन पे जो अरेंजमेंट है, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन का, कार्बिन्स का, एराइन्स का, नाइट्रीन का, पूरा डिटो छाप रखा है। और अभी आपने बिहार पीजीटी का जो पेपर दिया होगा तो उससे भी जाना होगा कि अनुसर का मटेरियल, स्टडी मटेरियल कितना मैच करता है, है ना, ये तो ये जान लीजिएगा। और उसके बाद अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री में आइए तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में इनेंशियोमर्स, कायरल, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। स्टीरियोजेनिक सेंटर पे आइए, डायस्टीरियोमर्स पे आइए, मीजो कंपाउंड्स पर क्वेश्चन आ सकता है, मीजो कंपाउंड्स फोकस कर रहा हूँ। RDL सिस्टम को इंपॉर्टेंस मत देना, RS सिस्टम पढ़ लेना, ज्योमेट्रिकल एलिसाइक्लिक में जरूर पढ़ के जाना, आपको 100% सफलता मिल जाएगी। IUPAC जितनी मैंने बताई है ना पढ़ लोगे, और तो मान के चलो कि 100% एल्केन में, IPC इतनी सब आती है, और एल्केन में वुड्स रिएक्शन में पढ़ाई है, कोलवे मैंने पढ़ाई है, फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन मैंने सब पढ़ाया हुआ है। जिन लोग ज्वाइन कर लोगे जाकर के वीडियो चेक कर लेना, ऐसा नहीं कि मैं कुछ कह रहा हूँ, ये आपका आ जाइए यहाँ पर आइए,
आपका क्या बोलते हैं इस पे, सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल पर आओ बच्चा, तो सेटजेफ रूल 100% आएगा। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इंपॉर्टेंट है, मार्कोनी कॉफ का रूल, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ये बिल्कुल। और ये रिएक्शन तो रखी है, इसको छोड़ना मत, डाइल्स एल्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। एल्काइन में हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, मेटल अमोनिया, बर्च रिडक्शन बिल्कुल पढ़ करके जाइए। एरोमेटिसिटी में हकल रूल पढ़ लेना, बर्च रिडक्शन मैंने बोल दिया, पढ़ के जाओ यार। एक एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक एक चैनल की हर बात इंपॉर्टेंट है, वरदान साबित होगा ये चैनल आपके लिए। एराइल एल्काइल हैलाइड में SN1 SN2 की मैकेनिज्म मैंने बताई है, DDT BSC पूरा बताया हुआ है, पढ़ लीजिए। और ऑक्सीजन कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन विनाइल एल्कोहल्स की, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज आपका टेट्राएसीटेट लेड और पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट आपको अभी मैंने वीडियो ही डाली थी, देखिए आप उन पर जाकर के, चैनल पर भी आपको सब चीजें मिल सकती हैं। एल्कोहल्स फिनॉल्स पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना, पूरा पढ़ाया हुआ भी है और वैसे क्वेश्चन भी कराऊंगा। एल्डिहाइड कीटोन में चले जाओ, क्लेजन रीअरेंजमेंट, गैटरमैन सिंथेसिस, फ्राइज, यार इस एक एक क्वेश्चन पढ़ाया है और यूट्यूब पर भी डाल रखा है ना, सिंथेसिस एल्डिहाइड कीटोन्स की बताई है मैंने और इनकी वीडियोस भी अभी के फटाफट पड़ जाएंगे आपके बहुत कम। और ये आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ये सब वीडियोस अभी लगातार लिंक में रिकॉर्डेड मटेरियल पूरा डाल दूंगा। इनोलेट्स और कीटोन्स ये सब मैंने डाल रखे हैं, इनको पढ़ डालिए। और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियो, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगी, इनको पढ़िए आप। और पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन ना आए तो बताइए, क्योंकि अनुसार आपने बताया था, झूठ बोल रहे थे आप, क्वेश्चन नहीं आया ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, आए ना, एमीन्स पे आइए, बेस सिटी तो 100% अरेंजमेंट आएगा, नोट कर लो, अभी के अभी नोट करो, अगर अरेंजमेंट ना आए तो कह देना अनुसर से, शिकायत करना, गैब्रियल थैलीमाइड पर पूछा ना जाए कि बताओ कि आरएक्स जो है देते हैं, एआरएक्स क्यों नहीं देते हैं, तो पूछना, यही क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको। डाई एल्काइल एजोटाइजेशन कपलिंग रिएक्शन, एजोडाई वाली रिएक्शन 100% आपको मिलेंगी। HNO2 लैम में होता है नहीं होता, इसकी रिएक्शन क्या होती है, जीरो एलिफेटिक एमीन क्या बनाते हैं, एरोमेटिक एमीन क्या बनाते हैं, रिएक्शन रखा है बिल्कुल, क्वेश्चन देख लो आप जाकर के, है ना। अब आप पेपर दोगे तभी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ग्रिगनार्ड रिएजेंट कम रिएक्टिव होता है, LiLH4 ज्यादा, सॉरी आपका R2CuLi ज्यादा रिएक्टिव होता है, LiR ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये सब क्यों होते हैं, ये सब ज्यादा कंपैरेटिव स्टडी आ सकती है, स्ट्रक्चर आ सकता है, केमिकल रिएक्शन पढ़ा दूंगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट की, पायरोल पढ़ाया है, फ्यूरोन पढ़ाया है, पायरिडीन पढ़ाया है, सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको हाइड्रोसाइक्लिक का मैंने प्रोवाइड करवाया हुआ, जाइए ज्वाइन करिए और देखिए क्या मटेरियल है या नहीं है। अभी आपको स्क्रैप सिंथेसिस डिटेल में समझाइए भाई, इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं येलो कर रहा हूं, ओसाजोन का फॉर्मेशन, इरिथ्रो थ्रियोफॉर्म, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, सब बेस्ट इंपॉर्टेंट, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कभी भूल जाओ कि आरएनए में कौन होता है और डीएनए में कौन होता है, तो डीएनए के लिए याद कर लो, डीएनए के लिए याद कर लो, आपको पता होना चाहिए। अदनान सामी गए थे, कहां गए, अदनान सामी गए यूएसए, तो देखो ये मिलेगा आरएनए में, एडिनिन साइटोसिन ग्वानिन यूरेसिल, डीएनए में मिलेगा एडिनिन साइटोसिन ग्वानिन थाइमिन, अदनान सामी गए थे, अदनान सामी कहाँ गए, यूएसए गए, अदनान सामी गए यूएसए, उड़ीसा, कुछ बिल्कुल याद कर लो फटाफट, क्या देर लगती है इसमें, कोई देर नहीं लगने वाली है ना। अगर आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड याद करने हैं तो देखो ऐसे याद करो ना, अनुसर का तरीका अपनाओ ना, ओम शिव गुरु आनंद, फटाफट आपको याद होगा, ओम शिव गुरु आनंद। ओ मतलब होता है ऑक्सलिक एसिड, ओ मतलब ऑक्सलिक एसिड, एम मतलब होता है मैलोनिक एसिड याद कर लो, एस मतलब होता है सक्सिनिक एसिड याद कर लो, जी का मतलब होता है ग्लूटरिक एसिड याद कर लो, ए मतलब होता है एडिपिक एसिड याद कर लो। अब आपने कहा कि सर कैसे याद कर लें, तो एक बार COOH लिख लो बच्चा, और इसके बाद इसमें CH2 बढ़ाते चलो, यहाँ CH2COOH हो जाएगा, यहाँ पर भी CH2COOH हो जाएगा, फिर एक CH, मतलब जितना स्टेप चलो उतना CH2 बढ़ाते चलो, फिर दो CH2 कर दो, COOH तो दोनों में लगाना है क्योंकि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो डाई ये होगा आपका सक्सनिक एसिड हो गया। अब ग्लूटरिक एसिड याद करना, एक CH2 और बढ़ा लो यार, क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पर COOH लगाओ, यहाँ पर भी COOH लगाओ, ऐसी ट्रिकी कंसेप्ट आइसोमर्स चुटकियों में कैसे निकालेंगे, अनुसर के साथ आइए सीखिए। एडिपिक एसिड बनाना है ना, तो ऐसे बनाओ ना, दो फटाफट एक और बढ़ा दो, तो जितने CH2 बढ़ाते चले जाओगे उतने स्टेप आगे बढ़ते चले जाओगे, शुरुआत में CH2 जीरो है,
यहाँ CH2 क्या है, O वाले में CH2 की वैल्यू 0 है, यहाँ CH2 की वैल्यू 1 है, यहाँ CH2 की वैल्यू 2 है, यहाँ CH2 की वैल्यू 3 है और यहाँ CH2 की वैल्यू 4 है। याद हो गया यार, ऐसे याद करो ना, आपको 100% याद रहेगा भाई। ट्रिकी पढ़िए, पढ़ाई सब करते हैं, सही दिशा में जो करते हैं सफलता उन्हीं को मिलती, बाकी दुनिया है मेहनत करती है, आपको पता भी होना चाहिए। आ जाइए लास्ट में, सिंथेटिक पॉलीमर्स बहुत बेस्ट हैं। इसमें क्या याद करना है, एक तो फिनॉल का फॉर्मेल्डिहाइड का पढ़ लेना, जिगलर नाटा तो 100% रखा हुआ, कोई रोक नहीं सकता है, पॉलिस्टर और पॉलीएमाइड में नाइलॉन 6,6 और डेक्रॉन पढ़ लेना, मिल जाए। तो ये रही डिटेल आपके सिलेबस की। अगर आपको लिंक जो है वो डाउनलोड करना है और इसका सिलेबस क्या होगा वो आपको, इसमें फिनोफिलीन और एलिजरीन के स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा रखे हैं, मैं आपको बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा, मिथाइल ऑरेंज भी बता दूंगा, ये सब बताऊंगा आपको। और आप जुड़ जाइए हमारे ऐप पर और फटाफट, आपको पता है सिलेबस ऑफ आर्ट एंड टीचिंग एंड अदर स्किल, ये आपको पता आर्ट एंड टीचिंग अदर स्किल 50 नंबर का होना है, आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर का होना है, यानी इन दोनों को मतलब 30 और 20 टोटल मिला के फिर 50 हो जाता है, तो ये आपका 50 नंबर यहाँ से होगा 100%। और नीचे आ जाइए 50 नंबर, तो ये हो गए यूनिट सेकंड में आ गए, है ना, और उसके बाद आ जाइए अदर स्किल में, ये पूरा आपका ऊपर का पेपर दे रखा है 100 नंबर का पेपर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 100 नंबर आपको मिले। चलिए इसको ऊपर बढ़ा देता हूँ, चलिए ये देख लीजिए, ये आपको मिल जाएगा 100 नंबर, दिख रहा है, फर्स्ट 100 नंबर का हो गया, सेकंड आपका 150 हो गया। तो तैयारी करिए बढ़िया से, मेहनत कर लीजिए और आप सिलेक्शन ले लीजिए, आपको भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी। और अगर आपको लगता है कि अनुसर आपको सही बता रहे हैं, अनुसर की गाइडेंस सही रहती है, और अभी बिहार PGT का जिन लोगों ने दिया था वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आराम से इसको बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।